दिस इज मी तारिक होरी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं फैशन के जलवों में 75th एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से, डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और ह्यूमिनिटी के हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ अजीम शख्सियात मौजूद हैं जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं, ह्यूमिनिटी के लिए काम कर रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं समीर मीर शेख, PTI के अजीम रहनुमा हैं, और सब जानते हैं कि PTI कितना वर्क कर रही है पाकिस्तान के लिए, डेवलपमेंट के लिए और गरीबों के लिए। तो वेलकम कीजिएगा समीर मीर शेख को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप समीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है। समीर भाई, कैसा लग रहा है आपको हमारे प्रोग्राम में आज? माशाल्लाह जी, वेरी गुड। एंड जज्बे आज़ादी का एक जज्बा और एक सब में जो जुनून होता है वो आपके स्टूडेंट्स में भी नज़र आ रहा है, लोगों में। और समीर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी जो PTI है वो पाकिस्तान के लिए आगे क्या प्लान है और हमारी आवाम के लिए क्या प्लान है, और इस हमारे जो किसी भी मुल्क की तरक्की में जो हम कदम जो शामिल होते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, और हमारे ग्रेड्स ही हमारा जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। तो आप हमें बताइएगा कि हमारे स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें 14 अगस्त के हवाले से, तो काइंडली आप हम बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा आज के जश्न आज़ादी के दिन का ये मैसेज होगा कि आप अपने अंदर एक सियासी शऊर लाएँ, आप उन लीडरान को पहचानें। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 30-40 सालों से जो हुक्मरान इस मुल्क में रहे, उन्होंने इस मुल्क के हर डिपार्टमेंट का दिवालिया निकाल दिया। आज उसके असरात हमारे सामने हैं। आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हमसे ऊपर चली गई है। आज इंडिया हमारे से कहीं करीब ही नहीं था। हमारे काफ़ी सारी NGOs हैं और काम कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म हो रही? लाखों राशन जा रहा है, लाखों डोनेशन जा रहा है, करोड़ों डोनेशन जा रहा है, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म हो रही? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? देखिए, जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, जिस देखिए कराची तो एक ऐसा शहर है जिसका दिल बहुत बड़ा है। आप कराची के शहर में जब भी फलाई काम के लिए आवाज़ उठाएंगे, कराची सब बाहर आ जाता है आपकी हेल्प करने के लिए। इसी तरह इमरान खान साहब ने वही मदीने की रियासत को फॉलो करते हुए यहाँ लंगर खाने बनाए, यहाँ चीज़ें की। देखिए, गुर्बत जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक हम खुद उसको ख़त्म करना नहीं चाहेंगे। आज हमारी एजुकेशन का क्या हाल है? हम तो 4-5 प्रोविंसेस एक उस पर नहीं आ सकें कि एक नेशनल लेवल का सिंगल करिकुलम सिस्टम होना चाहिए। यहाँ तो ओ लेवल्स का अलग करिकुलम है, गवर्नमेंट स्कूल का अलग है, आर्मी स्कूल्स का अलग है। तो पहले तो सबसे पहले हम एक इस पे तो तय कर लेना कि हमने एक सिंगल करिकुलम सिस्टम लाना है इस मुल्क के अंदर। उसके साथ साथ देखें, जो हमारा जो एक इमेज है वो पूरी दुनिया में बेहतर हो रहा है। इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया की बात की, मदीने रियासत की बात की, पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करने की बात की। ये एक वाहिद लीडर है जिसके लिए कोई नहीं बोल सकता कि वो करप्ट है। आप लोगों को भी, सबको मेरी तरफ से भी और सलमान की तरफ से, जो फैशन डिज़ाइनर है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पूरी दुनिया में ये ऑनियर होते हैं, एज अ गेस्ट आते हैं मॉर्निंग शोज़ में, फैशन शोज़ में, और हमारे साथ फरी मौजूद हैं जो सऊदीया से आई हैं, फैशन डिज़ाइनर में ब्यूटिशन भी हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। तो आप दोनों को कैसा लग रहा है, आप ये बताएं? आज 14 अगस्त का हमारा प्रोग्राम है हवाले से, तो कैसा लग रहा है आप लोग? अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच तारिक आपका और सर आपका। अच्छा, जैसे तारिक को आप जानते हैं कि तारिक डिज़ाइनर हैं, डायरेक्टर हैं, होस्ट हैं और सिंगर हैं। तारिक के भी एक नई वीडियो आने वाली है 14 अगस्त पे, वो लोग आप देखना मत भूलिएगा, मिस मत किएगा। और सर, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप तारिक सर कि आप कुछ गुनगुनाते हैं गाने के बारे में। हम समीर मीर के साथ, समीर भाई के साथ भी हम सिंग करेंगे, साथ गाएंगे उनकी प्लेस में, या स्टूडियो में भी गाएंगे, लेकिन उससे इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। ऐ वतन तुझ पे कुर्बान। ये जवां खून है, ये नया जोश है, सोए हैं हम कहां, हाँ हाँ में होश है। इस ये आ गया के, ये देखे भाई, भाव ले आ गए, ये हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। बाकी से प्रॉपर आइए, बीच में लेके आए, इधर लेके आए, लेके आए, दूंगा।
ये कट रहा है, ये कट रहा है। हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान।